गाजीपुर से किरण नाई वरिष्ठ पत्रकार की खास रिपोर्ट। पिस्टल बरामद, वीर को घर में घुसकर मारी थी गोली, पुलिस ने इनामी अभियुक्त को किया गिरफ्तार। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर करीमुद्दीनपुर थाना क्षेत्र के करीमुद्दीनपुर गांव में बीती गुरुवार की देर सांय ज्ञानेंद्र राय उर्फ वीर को उसके घर में पहुंचकर गोली मारने के मामले में करीमुद्दीनपुर पुलिस ने फरार चल रहे आरोपी श्रीधर वर्मा पुत्र नंदलाल वर्मा निवासी करीमुद्दीनपुर को काली माता मंदिर से आज सुबह में गिरफ्तार कर लिया है और घटना में प्रयुक्त पिस्टल को उसके आरोप लांड से बरामद कर लिया है। पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी श्रीधर वर्मा ने बताया कि घटना से दो दिन पूर्व रात्रि में पानी पहुंचाने के दौरान रास्ते में सर जाने पर वादी के भाई अमित कुमार राय से विवाद होने पर वह आग बबूला था और इस घटना को अंजाम दे दिया। आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। इस मामले पर करीमुद्दीनपुर थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि घटना में प्रयुक्त पिस्टल के साथ आरोपी को उसके गांव के ही एक मंदिर के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है और कार्यवाही की जा रही है। युवक घायल हुआ था, जिसमें आपने खुलासा किया, क्या है? करीमुद्दीनपुर थाने में 18 तारीख को एक ज्ञानेंद्र राय नाम का लड़का था, उसको जो है गोली मारी गई थी। इस पर थाने पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसमें नामजद FIR दर्ज की गई थी। जो मारने वाला युवक था उसका नाम श्रीधर वर्मा था। इस श्रीधर वर्मा को हमारी सर्विलांस टीम ने गिरफ्तार किया। वो 25,000 रुपये के नामिया भी था। जो है जब उसको गिरफ्तार किया तो उसने बताया कि हमारा आरोप प्लान चलता है उसी पानी को ले जाने को लेकर के। इनसे कुछ 3-4 दिन पहले विवाद हुआ था। उस विवाद के चलते इन दोनों में तनातनी बनी हुई थी। श्रीधर वर्मा ने जो है फिर उसी गुस्से में आकर के उसको ज्ञानेंद्र राय को अवैध पिस्टल से गोली मार दी थी। जो मजरूब है वो ठीक है इस समय, और इसको गिरफ्तार किया गया है और इसकी निशानदेही पर पिस्टल भी बरामद की गई है। सर, 25,000 का इनाम है, ये किस तरह का अपराधी था, कितने मुकदमे इसके ऊपर? इसके विरुद्ध 3-4 मुकदमे हैं जो है, और ये पहले भी इसी तरह के मुकदमे हैं, 3-7 के भी मुकदमे हैं जो है। ये नोटोरियस है, इसको इसीलिए गिरफ्तार करते हैं। इसमें और आगे भी और भी जो भी कार्रवाई होती है की जाएंगी। सर, ये इनामिया कहाँ से? कर्मदीन।